कर दिया। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये यूनिक प्यारे से फ्लावर्स। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चार्ट ले लिया है ऑरेंज कलर का, जिसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर है। इसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूंगी। पहले थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इस तरह से मोड़ लेना है और प्रेस करना है। फिर दूसरी साइड से इसको पहले प्रेस करना है सही से। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने लिया, अब दूसरी साइड से इस तरह से प्रेस करना है। जैसे हम पेपर फैन बनाते हैं उस तरह से इस पेज को भी फोल्ड करते जाना है। इस तरह से फोल्ड करते जाना है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। इसी के साथ आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो करें। फॉलो करने से आपको एक फायदा ये होगा कि आपको और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने का मौका मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल and also follow us on Instagram. इस तरह से पेपर को फोल्ड करते जाना है। और प्रेस करना है यहाँ से। इस तरह से सारे पेज को मैंने फोल्ड कर दिया है। और ये फोल्ड हो गए तो मैं आपको दिखा दूं कि ये इस शेप में होगा। इसको जब हम खोलेंगे तो ये इस शेप में होगा, सही है। अब इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और ऊपर की साइड से यहां से इसको हम सीजर की मदद से थोड़ा सा कट कर लेंगे यहाँ से इस शेप में। ये बहुत ज्यादा मोटा है, ऐसे नहीं कट हो रहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको काटूंगी। ये नहीं हो रहा, इसको मैं इस तरह से काट लूंगी। ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है इसको मैं काटूंगी। इस शेप में आपने इसको काटना है। और ये हो गए। अब मैं इसको खोलूंगी इस तरह से। इसकी शेप सही से नहीं आई तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके सीजर की मदद से काट लूंगी ऊपर से थोड़ा सा। इस तरह से काटना है और फिर से थोड़ा सा हिस्सा लूंगी मैं इसका और इस शेप में काट लूंगी। और इसी तरह से सारे पेज को आपने इस तरह से काटना है। और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको इस तरह से करके और काट लेना। ये हो गया हमारा। अब इसको मैं फोल्ड कर लूंगी। ये थोड़ा सा मैं हटा लूंगी यहाँ से गंद वगैरह, तो ये इस शेप में बन जाएगा। अब नीचे से आपने इसको पकड़ना है इस तरह से और ये एक साइड को इस तरह नीचे की तरफ लाना है, ये इस तरह से। अब पकड़ लेना और दूसरी साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी इसको इस तरह से नीचे लाना है। यहाँ पर प्रेस कर लेना है एक बार सही से। अब इसको मैं खोल लूंगी और यहाँ पर मैं ग्लू लगा लूंगी। इस एरिया पे ग्लू लगा लेनी है और इसके बाद
ये ग्लू लग गई है। अब वैसे ही फोल्ड कर लेना पेज को नीचे की तरफ, वैसे ही मोड़ देना जैसे कि मैंने पहले किया था, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से इस तरह से इसको पकड़ के प्रेस कर लेना है। ग्लू लगी हुई थी तो ये चिपक जाएगा। अब यहाँ पर इसको इस तरह से सही से इसको यहाँ पर मिला लेना है दोनों पेजेस को, और इस तरह से प्रेस कर लें। और यहाँ पर एक मैं क्लिप लगा लूंगी और इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये हमारा ड्राई हो चुका है और हमारा फ्लावर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो साइड है इसको मैं रिमूव कर लूंगी सीजर की मदद से। ये एक्स्ट्रा है तो इसको मैंने रिमूव कर लिया और ये आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये ऑरेंज वाला ये मैंने आपको बनाना सिखाया है आज। इसके अलावा ये बाकी जो फ्लावर्स थे ये मैंने पहले से ही रेडी किए हुए थे। ये येलो वाला मैं आपको दिखा दूँ सही से, और इसके बाद ये ऑरेंज ये मैंने आपको बनाना सिखाया है, और ये ब्राउन, इसके बाद ये स्काई ब्लू और ये ग्रीन। आई होप कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इसे जरूर शेयर करें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।